लेकिन जमुना पार ते टोके लाया, जमुना में डुबकी लगाई और चंडीगढ़ में शपथ दिलाई। आज के दिन बाबू बेटा अपने से बाहर तो सोच ही नहीं सकते। बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को आज इतना भी पता है कि उनके राज में कैसे लूटा जाता था। दूसरा एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला नामक एक पार्टी बनी, जेजेपी पार्टी बनी थी कि नहीं बनी थी, वो भी एक नारा आया, क्या कहा? जमुना पार। एक 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 कहा करता 75 पार, दूसरे ने कहा जमुना पार। इलेक्शन का नचीता आते दोनों बन गए पक्के यार। न्यू क्या करता बीजेपी ने करो जमुना पार। बीजेपी तो कर दी थी लोगों ने जमुना पार, लेकिन जमुना पार ते टोके लाया, जमुना में डुबकी लगाई और चंडीगढ़ में शपथ दिलाई। यह बनी कि नहीं बनी? और कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता कर रहे हैं, 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवान का समझौता कर रहे हैं, आज तक दोनों लागू नहीं हुए। हमने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया लोगों ने, आप हमारा समर्थन करो, 5100 पेंशन पहले दिन से लागू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को, आज 5 साल के बाद वह 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको भी, 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद आपको पता है, 6 महीने के बाद उस विश्वासघात का भी बदला हम लेंगे। बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था, महकमे बांटकर प्रदेश की भली भली जनता को लूटने का समझौता था। माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा किसके पास गया, भ्रष्टाचार की फाइलें कैसे बंद कराई, सारे महकमे, किस महकमे से कितनी, कौन लुटाई कर रहा है, ये शायद लिस्ट हमारे पास भी ना हो। इन्हीं के विधायक हिसार नारनौंद के, इन्हीं के एक विधायक ने, दादा गौतम ने अगले दिन कह दिया था कि खोपर बढ़ गया सारे महकमे लेके, एकला ही जिमने लग रहा है, यही कहा था ना, एकला ही जिमने, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हरियाणा। कोई नई चीज उनके मुंह से निकली हो तो बताओ। आज के दिन बाबू बेटा अपने से बाहर तो सोच ही नहीं सकते, उनका तो एक आई मी माई सेल्फ का एजेंडा है और उस एजेंडा के ऊपर 10 साल उनने इस प्रदेश को लूटा। 63,000 एकड़ से ज्यादा प्राइवेट बिल्डरों को लैंड एक्वायर करके दी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ लिए इस पर, एक भी भर्ती उनकी सरकार की ऐसी नहीं है जो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन ना करी, युवा के साथ खिलवाड़ किया। मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को आज इतना भी पता है कि उनके राज में कैसे लूटा जाता था। आज के दिन रॉबर्ट वाड्रा के पेपर गायब हो जाते हैं बैंकों से, ये उनकी लूट को छुपाने के लिए कदम है। मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार ने बड़े क्लियर विजन के साथ पूरे हरियाणा के 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विकास कराया। आज 6800 गांव के अंदर, 6300 ग्राम पंचायतों के अंदर आज बराबर सामान्य ग्रांट पॉपुलेशन के आधार पर मिलती है। इनके राज में तो ग्रांट भी रोहतक जिले से बाहर नहीं आती थी। आप सोनीपत वालों से जाके तो पूछो, आज खरखोदा को तो विकसित हमने किया है, आज पद्मा के माध्यम से हर ब्लॉक में उद्योग लगे, इसके ऊपर हमारी सरकार का विजन बड़ा क्लियर।